बिच्छू मैन आ रहे हैं खंडाली के बुज्जे के अंदर से, आ चुके हैं। हमारे ककड़ी लेके आए कब्जे चीयर लड़ौड़ भर का गाने थे, जैसे अर्जुन हो गया, अरे पैर को ले आना, और आपका इन्होंने जो है कपास काजू ये हर एक चीज़ जो है रुद्राक्ष वगैरह का जो भी यूनिक यूनिक पेड़ होते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक और फिर से मेरे यूट्यूब चैनल लव राइडर नंदू में। फिलहाल सुबह के बज रहे हैं 9 और हम आए हुए हैं सकनेड़ी, तो काफ़ी अच्छी धूप और बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी, क्योंकि काफ़ी नीचे जो पड़ता है ये वाला गांव और जिस जगह पे अभी हम हैं, तो हम मेरे यहाँ से भी काफ़ी नीचे आए हुए हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, जबकि धूप इतनी तेज़ लगी है नहीं, लेकिन यहाँ पर जो है हमको गर्मी बहुत ज़्यादा मिलेगी क्योंकि चीड़ के पेड़ जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे। रही बात मौसम की, तो मौसम काफ़ी अच्छा है, आज धूप लगी हुई है और हल्के फुल्के जो है बादल भी दिखाई दे रहे हैं। सुबह से जो है कोहरा लगा हुआ था, लेकिन जो है मौसम काफ़ी साफ। वैसे गाइज मेरे पीछे जो ये आपको झाड़ दिख रही है, इसको आप सभी लोग ऐसे जानते होंगे, लगभग लगभग जो भी हमारे पहाड़ी लोग हैं वो तो ऐसे जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते उनने शायद वीडियो में बहुत सारी देखा होगा। ये 440 वोल्ट का जो है झटका लगता है इस वाली झाड़ से, इसको खंडाली कहते हैं, बिच्छू घास इसको कहते हैं। दिखाता हूँ साफ तरीके से, तो जो ये है बिच्छू घास, और ये काफ़ी तेज़ झटका है, इसके जो कांटे से होते हैं वो डीपली दिखाता हूँ कांटे बचे। इसके जो कांटे काफ़ी तेज और काफ़ी झनझन जो है शरीर में मचा देते हैं। ये देखिए कुछ बारीक बारीक, तो काफ़ी ख़तरनाक इस घास को माना जाता है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाएंगे जिस व्यक्ति इस पे ये जो कंडाली है बिच्छू घास उसका कुछ भी असर नहीं होता है, वो उसको हाथ से हो या किसी भी शरीर के किसी भी अंग पर आप उन्हें कुछ कंडाली या बिच्छू घास लगाएं तो उन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, और बिच्छू मैन उसको उनको जो है नाम दे दिया गया है आकाश भाई के द्वारा बिच्छू मैन। तो हम तो अभी हम मिलाएंगे आपको उनसे कुछ देर में, अभी वो गए हैं कंडाली ही वो साफ कर रहे हैं। नॉर्मली वैसे लोग दरांती से उससे करते हैं, लेकिन अगर दरांती उनके पास नहीं है तो हाथ से भी जो है खंडाली साफ कर लेते पूरी तरीके से। तो बिच्छू मैन जी अभी मतलब बताओ जी हमारे ककड़ी लेके आए हैं कब्जे चीयर लड़ौड़ भर का गाने थे, ये देखिए और भी हैं एक दो, वो उन्होंने फेंक दिए नीचे। बिच्छू मैन आ रहे हैं खंडाली के बुज्जे के अंदर से, आ चुके हैं हमारे बीच। हैं वो हिटा लिखा है निशान क्या अभी ना क्या मतलब साफ कर दिया करा। तो पहाड़ में रह रहे लोगों को जो है बिच्छू मैन से कुछ सीख लेनी चाहिए, और ये इंसान बिच्छू मैन नहीं है, ये सुनील भाई हमारे तो उनकी जो है 3 ककड़ी हम पहले खा चुके हैं, फिर 4 ककड़ी ये रही, और यहाँ जो सारी बंजर खेती है आप देख सकते हैं, मतलब घनियाल जो गांव ख़त्म होता है उसके नीचे पूरी बंजर खेती, लेकिन तो उन्होंने यहाँ जो ऊपर है 2000 खेत, अभी हम वहाँ जाएंगे, बिच्छू मैन पहले रास्ता बनाएगा। हाँ ठीक दिया, तो यहाँ ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा खेत जो उन्होंने चलन कर रखे हैं, जबकि यहाँ किसी ने खेती नहीं कर रखी है, सब उनको छोड़ के कक्ष बारीक टुकड़ा नहीं यार मोटा टुकड़ा बारीक तो बड़ा खाना चाहिए ना बोले नबी के शादी के लिए। नहीं अभी तो ठीक, मेरे पीछे बैठ रखे हैं बिच्छू मैन, ये है काफ़ी ख़तरनाक इंसान है, कर्णाली बिल्कुल नहीं लगती है इनको,
तो ये अपना इंटरव्यू खर्चे नहीं दे रहे हैं हमें फिलहाल, अभी ये बहुत काम कर रहे हैं। तो इनका नाम है श्री मनवर सिंह चंद उर्फ शाह जी, और इनका आज नाम पड़ गया है बिच्छू मैन। तो अभी हम चलते हैं इनकी खेतों की ओर फिर से ककड़ी लेने। हमारे साथ हमें ज्वाइन करेंगे साहिल। चलो गोली आओ। तो फिलहाल मैं आ चुका हूँ ताऊ जी के खेतों में, और सबसे नीचे जो वाला खेत इनका है उसमें देखिए इन्होंने वो रखी हल्दी, और काफ़ी अच्छी जो है हल्दी हो रखी है। यहाँ जो कोई लोग आने की भी नहीं सोच सकते हैं, तो ऐसी जगह पे इन्होंने जो है खेत अपने जो है फिर से एक बार इनमें फसल हुई है और अच्छी अच्छी चीज़ें लगाई हुई है। चलिए दिखाते हैं आपको, आप देख सकते हैं जिस तरीके से हल्दी, और इसमें थोड़ा बहुत जो है अदरक भी हुआ है। और ये ठीक है, ये सूरजमुखी है शायद, लेकिन ये सूख गए हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। तो ये जो पहला है और सबसे लास्ट वाला खेत इनका यहाँ सबसे नीचे, उसके बाद ऊपर फिर यहाँ पे एक खेत है, वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे क्या बोल रखा है। रास्ता यहाँ बहुत मुश्किल है ढोलना, और सुनील भाई वो सारी ककड़ियाँ जो हैं यहीं से उड़ा के ले गए अभी। तो और यहाँ पाइपलाइन जो है, पाइपलाइन भी बिछाई गई है, काफ़ी अच्छा जो है कार्य किया गया है इनके द्वारा। तो ये है इनकी जो है मिर्च का ये खेत। तो इस बार जब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि मिर्च बर्बाद हो गए, मिर्च हुए नहीं है बारिश के कारण, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ख़तरनाक तरीके से जो है मिर्च की पैदावार, और एक से या दो हफ्ते में मिर्च पक के जो है तैयार भी हो जाएंगे। और ये पता नहीं इनका यहाँ पे क्या क्या ये जो दवाई और खाद वगैरह यूज करते हैं ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये वाली जो चीज़ है ये पता नहीं क्या काम है। और पानी जो है इस गदेरे में जो है आजकल बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से, और यहाँ खेतों के किनारे पे भी पानी बहुत ज़्यादा है, और कद्दू वगैरह भी जो है इन्होंने यहाँ पे लगा रखे हैं। इसके ऊपर फिर एक और खेत है, उसमें शायद इन्होंने मिर्चें बो रखी हैं। काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ावा उन्होंने घर पे जो है खेती को दिया हुआ है, क्योंकि घर पे उन्होंने अपना पॉली हाउस वगैरह और हर एक चीज़ के उन्होंने जो है पेड़ भी लगाए हुए हैं, जैसे अर्जुन हो गया। अरे पेड़ को ले आना। और आपका इन्होंने जो है कपास, काजू, ये हर एक चीज़ जो है रुद्राक्ष वगैरह का जो भी यूनिक पेड़ होते हैं, तो इस तरीके से जो है हर एक तरीके के पेड़, बरगद, पीपल वगैरह जो भी यूनिक पेड़ होते हैं वो इन्होंने लगाए हुए हैं। लेकिन हमें ढूंढने में दिक्कत आ रही है फिलहाल, इन्होंने कहाँ कहाँ पर जो है ये चीज़ें लगाई हुई हैं, और एक तो हमने पहचान भी नहीं रखे हैं पेड़, तो शायद वो गल गए होंगे, ऐसा हो सकता है। फिलहाल यहाँ भिंडी भी मिल गई हमें दो तीन, लेकिन कम है तो हम इनको लेने जाएंगे। हाँ सीताफल दिखाते हैं, इतनी दूर अगर एक सीताफल 5 से 10 किलो का होता है तो इतनी दूर से आदमी जो है पैदल जाने में ही परेशान है, क्योंकि काफ़ी चढ़ाइयाँ हैं, तो अगर इतना बड़ा सीताफल हो गया तो उसको ले जाने में पूरा दिन लगेगा इन्हें। तो यहाँ बिल्कुल अंदर इस जगह पे जो है सीताफल लगा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो आज हम मिले बिच्छू मैन से, और अभी हम हैं घर पे, तो जो है नया चूल्हा लेके आए हैं चंदू भाई, इसको अभी हम लगाते हैं। और एक कपड़े बेचने, चद्दर वगैरह बेचने वाले हैं, उद्घाटन जो है उनसे ही करते हैं, उनके लिए बनाते हैं चाय। चलिए भाई बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नए वीडियो में। अनवी अब तू सो जाएगी ना? सो जा, वो लाइट बंद कर दे पीछे।